दोस्तों एक बैड न्यूज़ है ओनर प्ले स्मार्टफोन यूजर्स के लिए, जो कि कई लोग रुके हुए थे EMUI 10 के बारे में या उसके रिलेटेड है। जो कि कई लोगों का क्वेश्चन था कि हमारे स्मार्टफोन में ये ओनर प्ले स्मार्टफोन यूज़ करो EMUI 10 मिलेगा तो कब मिलेगा। ये ऑफिशियल कन्फर्म आ चुका है Huawei की तरफ से, थोड़े दिन पहले ही आ चुका था, जो कि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो चुका है। जो कि ये कन्फर्म है कि EMUI 10 ओनर प्ले स्मार्टफोन में वो रिलीज़ करने वाले नहीं है। उसका रीज़न में भी आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात बढ़ते करते हैं कि किन किन स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आपके जो ओनर 8X है उसके बाद में जो स्मार्टफोन लॉन्च हुए उसमें EMUI 10 कन्फर्म मिलने वाला है। वो की तरफ से कन्फर्म लिस्ट भी आ चुकी है, ओनर 8X में भी मिलने वाला है, जो कि किरिन 710 पे है, जो कि किरिन की 7 सीरीज में उसमें भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं ओनर प्ले स्मार्टफोन में ये क्यों नहीं मिलने वाला। तो ओनर प्ले स्मार्टफोन में कंपनी का दावा है कि जो कहना है कि जो किरिन 970 है वो लिमिटेशन, उनकी कुछ लिमिटेशन है इसीलिए उस पर EMUI 10 रिलीज नहीं कर रहा। लेकिन किरिन 970 तो फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर और किरिन 710 जो कि उनके लोअर लेवल का प्रोसेसर है, जो कि ओनर 8X में मिलने वाला है, उसमें आप ओनर 8X में मिलता है तो उसमें आपको EMUI 10 रिलीज़ करने वाला है लेकिन ओनर प्ले में नहीं करने वाला। एक कुछ उसने रीज़न दिया है ड्यू टू हार्डवेयर लिमिटेशन, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे। अगर मना करना चाहिए तो साफ साफ मना कर देना चाहिए कि नहीं मिलेगा भाई, तो ऐसा को हमको ऐसे नहीं ऐसे कान पकड़ा रहे कि भाई हमको आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। एक या बात हुई लिमिटेशन के बारे में। अगर बात करें ओनर प्ले स्मार्टफोन की तो बड़ी बढ़िया है। और अब दूसरे रीज़न की बात करें कि ओनर प्ले स्मार्टफोन में EMUI 10 मिलना चाहिए, तो उनका जो Huawei P20 स्मार्टफोन है उसमें मिलने वाला EMUI 10 उनकी कन्फर्म लिस्ट आ चुकी है, तो वो 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ था उसमें देखने को मिलने वाला है, जो कि उनके फीचर्स स्पेसिफिकेशन सब ओनर प्ले स्मार्टफोन की तरह ही सेम टू सेम है, उसमें देखने को मिलने वाला है और इसमें देखने को नहीं मिलने वाला है। ये कुछ बात समझ नहीं आ रही। ज़्यादातर स्मार्टफोन में आपको 2 अपडेट तो मिलने चाहिए, इसमें आपको एंड्रॉयड पाई का अपडेट दिया तो एंड्रॉयड क्यू का भी अपडेट देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, स्पेसिफिकेशन है, फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, ओवरऑल बहुत ही बिका हुआ स्मार्टफोन है, बहुत लोगों ने खरीदा है, उसमें आपको रिलीज़ करना चाहिए। आपको 2 सॉफ्टवेयर अपडेट तो देने चाहिए गूगल के, जो कि एंड्रॉयड पाई दिया तो एंड्रॉयड क्यू भी देना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन Huawei ने तो यहाँ पर कन्फर्म कर दिया कि ये ओनर प्ले में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कई लोगों ने उसे क्वेश्चन पूछा, ट्विटर पे उसको टैग किया, फेसबुक के इंस्टाग्राम पे सभी को लगा रहे, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट उसमें भी क्वेश्चन पूछा लोगों ने कि आप रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे, तो उसने साफ साफ मना नहीं किया कि हम आपको नहीं देंगे। उसने कहा हम इसके बारे में सोचेंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको इसमें देखने को मिल भी सकता है, लेकिन आपको मार्च अप्रैल में देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। अभी तो आपको स्मार्टफोन में इस ईयर के एंड में तो देखने को, यानी दिसंबर में तो देखने को नहीं मिलेगा, मार्च या अप्रैल में शायद देखने को मिल सकता है, कन्फर्म नहीं है। लेकिन उसने जो आंसर दिया है हुआ भी ना, उसकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आपको देखने को मिल सकता है। तो बस दोस्तों यही थी कुछ EMUI 10 के बारे में। और अगर आपको लगता है कि EMUI 10 ओनर प्ले स्मार्टफोन में मिलना चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इस बारे में मैं Huawei और ओनर के जो ऑफिशियल वेबसाइट उससे मैं कॉन्टैक्ट करूँगा और उसको भी मेल करूँगा। जब भी जितनी भी मेरी कोशिश होगी मैं कोशिश करूँगा कि ओनर प्ले स्मार्टफोन में EMUI 10 रिलीज़ करे, और उसके बाद अगर कुछ अच्छा निर्णय हुआ और अच्छा आंसर आया तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए टेक्निकल जर्नलिस्ट चैनल को।